मैं मानता हूँ कि और भी परिवार के लोग हैं जिनको पार्टी के लिए काम करना है, उनकी भी अपेक्षा होती है। क्या सर युवा नेताओं को मौका मिला है, चाहे विधायक हो या पूर्व पदाधिकारी रहे हो, एक नई टीम के साथ? राजनीति में संतुलन जरूरी है, यूथ की एनर्जी भी आवश्यक है और अनुभव का एक एक तरह का सोच भी जरूरी होता है, तो दोनों को बैलेंस। मध्य प्रदेश में लंबे समय बाद कांग्रेस पार्टी अपनी कार्यकारिणी घोषित कर पाई है। कई सारे उपाध्यक्ष और महासचिव बनाए गए हैं, लेकिन इसके बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर ही कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस सूची से बाहर हो गए हैं। इनमें बड़ों नाम है नकुल नाथ को, जो पूर्व सांसद हैं, लक्ष्मण सिंह जो दिग्विजय सिंह के भैया हैं, पूर्व विधायक हैं, केपी सिंह कक्काजू, सुरेन चौधरी जैसे तमाम सारे नेता छूट गए हैं, और एक के संग पार्टी के भीतर ही कई सारी आवाजें भी खड़ी हो गई हैं। अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कह रहे हैं कि जो लोग बचे हैं उनको प्रदेश सचिव, अनुशासन समिति और अन्य जगहों पे स्थान दर्ज है। देखिए, हर कार्यकर्ता को, नेता को पार्टी के लिए काम करने का मन है, तो स्वाभाविक है कि कास्ट क्वेश्चन हो, उम्र का तकाजा हो, जातिगत वो हो, क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखना चाहिए और रखा गया है। मैं मानता हूँ कि और भी परिवार के लोग हैं जिनको पार्टी के लिए काम करना है, उनकी भी अपेक्षा होती है और उनका एहसास मुझे भी है, तो मैं मानता हूँ पार्टी को भी, तो जो हुआ है मतलब द बेस्ट जो हो सकता था वो करने की कोशिश की, और भी हमारे परिवार के लोग जो काम करना चाहते हैं उनको मैं अकोमोडेट किया जाएगा। क्या सर युवा नेताओं को मौका मिला है, चाहे विधायक हो या पूर्व पदाधिकारी रहे हो, एक नई टीम के साथ? राजनीति में संतुलन जरूरी है, यूथ की एनर्जी भी आवश्यक है और अनुभव का एक एक तरह का सोच भी जरूरी होता है, तो दोनों को बैलेंस करना है। जो आपको नहीं मिला है, नकुल नाथ जी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी सर, जिला अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी में आने वाले समय में होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष और महासचिवों की सूची में ज्यादातर पार्टी के बड़े नेताओं के परिजन शामिल हैं, लेकिन पूर्व सांसद नकुल नाथ, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटा भी हैं, उनको कौन सूची में जगह नहीं दर्ज आवो, कई सारे बड़े सवाल भी खड़े कर रहे हैं। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर, 28 एकर्स ऑफ लश ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल्स, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।